नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है पबजी मोबाइल लाइट बीटा का न्यू अपडेट। फाइनली तुम्हारे भाई ने अपडेट कर लिया, और जो बग चल रहा था, क्रैश चल रहा था, वो इसलिए चल रहा था क्योंकि भाई पूरी तरह से मेरे में अपडेट नहीं आया था। आज मैंने मॉर्निंग फिर से इसको एक बार दोबारा से चेक किया, तो दोबारा से फिर से एक अपडेट आया था, उसको अपडेट किया, तो ये भैया फाइनली ओपन हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना तबाही खतरनाक वाला भाई लॉबी दिया इस बार, मतलब पूछो ही ना। जहां पे हम लोग खड़े होते हैं, क्या बैकग्राउंड है यार, मतलब बिल्कुल जहर खतरनाक है भाई, एक नंबर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब नई नई चीजें क्या आई हैं। तो मैप पे जाते हैं भाई, ये देखो एक नया मैप आया, टीडीएम तो पहले से था, और ये देखो भैया ये नया आया हुआ है, और वेयर हाउस ये सब तो पहले से थे, यही बीच में एक नया आया हुआ है। ठीक है, बाकी ये तो था ही, ये वाला नया मैप आया हुआ है। ठीक है, रूनिस, चलो भाई इसको भी खेलेंगे भाई अभी थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन उससे पहले और भी चीजें चेक कर लेते हैं, कुछ और नया आया है क्या, क्या 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 क्या, क्या हो सकता है नया। ये क्या चीज़ है ये, चलो टीडीएम है। ओ तो ट्रेनिंग मोड नहीं आया, ट्रेनिंग मोड तो अभी नहीं दिख रहा, अगर आया हो तो बता देना भाई, कुछ चीजें छूट जाए तो। ठीक है, पहले विरिंगा चेक करते हैं, विरिंगा के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई विरिंगा के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं। जो भी आई है सब कुछ बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लगा दो, जिससे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट कर ही लेते हैं मेरे भाई। तो चलिए जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक मैं पिछली वीडियो के टॉप 10 कमेंट को शॉर्ट आउट, एक लकी कमेंट को पिन करता हूं, उसके बाद आगे की जानकारी आपको डिटेल में देता हूं मेरे भाई। तो दोस्तों, आज का पहला शॉर्ट आउट होता है विशाल, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट शुभम, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जायेश, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है यम, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है फैस्को, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है संकेत, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सवीवो गेमर्स, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है प्रवीण, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है कुणाल, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट आउट जाता है अभिषेक गेमर को। इन्होंने लिखा है नाइस गेम प्ले भाई, नाइस वीडियो, ओके भाई दिल से लव यू एंड बहुत सारा प्यार है। तो चलिए फटाफट से आज का लकी कॉमेंट को पिन कर लेते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों, आज का लकी कॉमेंट जाता है समीर भाई को, इन्होंने लिखा है भाई 0.18.1 का वीडियो अपलोड करो, मेरा बीटा पबजी लाइट नहीं चालू हो रहा है। तो भाई फाइनली आज वही वाला वीडियो आ चुका है, टेंशन मत लो मेरे भाई। और जिन लोग जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आज भाई अपडेट करो, आज अपडेट हो जाएगा। कल उस दिन मेरा भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज सुबह मैंने किया है तो मेरा हो गया है फाइनली। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हो रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे दे रहे हैं क्योंकि भाई बीटा है, इतनी जल्दी नहीं देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबका आ जाएगा अपडेट। मैं पहले दिन अपडेट किया था तो लेकिन सही से नहीं चल रहा था, लेकिन आज चल गया है। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट को पिन कर दिया, जिन लोगों ने कमेंट किया सबको लव यू एंड बहुत सारा प्यार है। चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जब गेम स्टार्ट होता है वहां ट्रेनिंग मोड आता है छोटा सा, तो वहां पे भाई एक हमें झूला देखने को मिला, जैसा कि आपने देख लिया था जिस समय मैं शॉर्ट आउट दे रहा था। तो दोस्तों, वो वाला झूला आपको इस गेम में कहां पे मिलेगा सबसे पहले वो बताते हैं, क्योंकि वो झूला इसके अंदर मिलेगा और वो चलता हुआ मिलेगा मेरे भाई। तो उसके लिए आपको इस वाली लोकेशन पे जाना होगा जहां पे मैं जा रहा हूं, तो आपने लोकेशन तो देख ही ली होगी। तो यहां पे भाई आना है फैक्ट्री के आगे, ये देखो फैक्ट्री के आगे जो छोटे सा प्लेस नहीं है पुल के उस पार जाने के बाद, यहाँ पे भैया कुछ नई चीज ऐड कर दी गई है, वो वाला झूला आपको यहीं पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ये देखो। ठीक है दोस्तों, इस अपडेट में बहुत सारी नई चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रॉब्लम की हैं, कुछ चीजें फायदे की हैं। इसमें एक दो चीजें ऐसी आई हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और शायद आपको भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेकार चीजें कर दी गई हैं एक दो अपडेट के बाद, तो उनको भी देख ही के जाना मेरे भाई। ठीक है, पूरा सही से बताएंगे कौन कौन सी नई चीजें आई हुई हैं। ठीक है, तो ये देखो झूला है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है चलिए मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, इसके अंदर अभी काफी सारे बग एंड ग्लिच हैं। ये देखो, ये बटन आया हुआ है ना, ये ऊपर बीच में आप देख सकते हैं, इस वाले बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे रिवाइव नहीं होता वैसे रिवाइव टाइप में होगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया चलना। ठीक है, तो ये शायद मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए ठीक है कि सेलिब्रेशन आप कर सकते हो यहाँ पे। और खास करके ये बताए, सबसे ज्यादा इस पर मुझे एक दो ट्रिकें बहुत अच्छी अच्छी समझ में आ रही है। अगर ये झूला ऑफिशियल वाले के अंदर आया ना भाई, तो इसके अंदर मैं तुम्हें दो तीन ट्रिकें बताऊंगा जो बहुत गजब काम करें, क्योंकि भाई झूला के अंदर मुझे दो तीन ट्रिकें समझ में आ रही है जो बहुत ही दमदार काम करने वाली हैं। अगर आपको भी समझ में आ रही है तो कॉमेंट करके जरूर बताना मेरा भाई। ठीक है, और यहाँ पे आप केवल जंप कर सकते हो, इमोट कर सकते हो, इंजॉयमेंट कर सकते हो,
यही चीजें बस कर सकते हो। अभी झूले में काफी सारा बग है क्योंकि ये जब आगे जाएगा तो जहां पे इसको रुकना चाहिए ये वहां पे नहीं रुकेगा, ये थोड़ा और आगे चला जाएगा और घूम जाएगा क्योंकि अभी बग है। तो मेरे हिसाब से भी इसके अंदर पबजी लाइट बीटा के अंदर एक और नया अपडेट आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अभी काफी सारे बग एंड ग्लिचेस काम कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, लॉबी के अंदर भाई एक और नई चीज हो गई है, बग्घी गाड़ियां जो नहीं थी, दो गाड़ियां जो हमें मिलती थी वो गायब कर दी गई थी, लेकिन ये अपडेट के बाद ये बीटा में ये दोनों गाड़ियां फिर से आ गई हैं। तो इसका मतलब है नए अपडेट में वो गाड़ियां फिर से आएंगी और शायद वो जो ग्लिच चल रहा था ना अनलिमिटेड चिकन डिनर वाला वो शायद बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको तो हम बाद में ट्राई कर लेंगे। भाई इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ, सभी वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीक्रेट लोकेशन के बारे में भी आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं काफ़ी सारे सीक्रेट लोकेशन को भी कवर करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ये तो मतलब जो आपने देखा, देखो यहाँ से यहाँ पे इसको रुकना चाहिए, ये यहाँ पे झूले को रुकना चाहिए यहाँ पे, मगर वो चला गया वहाँ पे, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये शायद बग बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने गाड़ी उठाई और अगले वाले जो नया प्लेस आया हुआ है वो आया विस्टा के अंदर दोस्तों, तो उस वाले प्लेस पे जाते हैं। भाई विस्टा का तो पूरा लोकेशन ही गायब कर दिया, कुछ नया दे दिया, इतना इंटरेस्टिंग दे दिया कि आप लोग खुद ही कहोगे भाई। और मेरे हिसाब से विस्टा अब थर्डिल से ज्यादा फेमस होने वाला है क्योंकि भाई विस्टा पे अब बंदे बहुत ज्यादा जाएंगे और बहुत ही अच्छी लोकेशन बना दी इन लोगों ने विस्टा को। आप एक बार देख के दंग रह जाएंगे, क्या गजब की जगह बनाई है यार, मतलब मजा आ जाएगा भाई। वहां पे फाइट करने का कुछ अलग ही मजा होगा और लूट भी तगड़ी वाली मिलती है। अगर ये भाई आ गया ना ऑफिशियल के अंदर तो भाई पूछो ही ना, मतलब एक अलग ही तरह का मजा आने वाला है भाई गेम के अंदर। तो जरूर देखना यार, देखो फटाफट से, और ये अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं, ये अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपको PUBG मोबाइल लाइट ऑफिशियल के अंदर प्ले स्टोर के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, ये अभी जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये बीटा का है। ठीक है, ये देखो क्या गजब की लोकेशन है। यहाँ पे मैं इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि यहाँ से मैं आपको पूरा मैप, ये जो नई लोकेशन है उसको पूरी दिखा सकूं। ध्यान से देखो क्या गजब की लोकेशन दिख रही है, मतलब एक मतलब अलग ही सीन है, मतलब एक अलग ही तबाही वाला सीन है जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब मजा ही मजा है। और यहाँ पे देखो क्या गजब लग रहा है यार, मतलब पूछो ही ना, मतलब मजा आएगा भाई। ये समझ लो सबसे बेस्ट जगह होने वाली है जिस समय आएगी ना PUBG लाइट के अंदर, भाई सबसे बेस्ट जगह होगी। चलिए अंदर का मैं आपको नजारा दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा कैसा है सब कुछ। तो यहाँ पे सबसे ये देखो डायरेक्ट अपने आप नहीं चढ़ रहा है, अपने आप नहीं चढ़ रहा है, हर बार जंप बटन दबाना पड़ेगा तब आप सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, ये एक नई चीज़ दे दी गई है, इसमें कुछ कमियाँ भी कर दी गई वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसको आप देख के कहेंगे कि हाँ यार ये बहुत गंदी चीज़ करी गई है। जो नई चीज़ ऐड की गई है भाई वो बहुत ही गंदी है और मुझे नहीं लग रहा ये शायद इनको ऐड करना भी चाहिए। तो वो क्या है भाई, वो चलो आगे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से आप ध्यान से देखना। अभी मैं यहाँ पे एक अपनी गाड़ी देखता हूँ, इस वाले ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं चढ़ पाता हूँ। देखो एक गंदी चीज़ क्या आई हुई है कि यहाँ पे हम लोग पहले चलते हुए मेडिकेट लगा लेते थे ना, जैसे चलते थे वहाँ पट्टी वट्टी वगैरह लगा सकते थे लेकिन अब नहीं लगा सकते हैं। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर मेडिकेट आपको लगाना है तो आपको खड़े होना होगा, खड़े होके फिर लगाना होगा। पहले क्या था, हम लोग गाड़ी चलाते हुए मेडिकेट लगा लेते थे, सबको लगाते थे, अब वो सब सुविधाएं भैया बंद हो गई। तो ये भैया एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए माइनस पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये मेरे हिसाब से इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई यार वो वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, चलते हुए दौड़ते हुए मेडिकेट लगाने वाला, वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था यार। उसको हटा दिया तो अब बंदे बहुत ज़्यादा जोन से मरेंगे, देख लेना, जोन में बंदे बहुत ज़्यादा मरने वाले हैं, पक्का बता रहा हूँ 100% दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बता दूं, आगे एक और एक दो लोकेशन और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो आगे एक सीक्रेट पुल आया हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा और यहां पे भी थोड़ा बहुत बता देता हूं, लेकिन इसकी मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आपको जरूर से ज़रूर पसंद आएगी। और गन कुछ ऐसी हैं जिनका स्किन वगैरह चेंज कर दिया गया, कुछ नई तरह की लगने लगी हैं, अलग तरह की, आप देख सकते हैं UMP कैसी छोटी सी कर दी गई है। तो इस तरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ वाली, ये विलेज के सामने जो वो नहीं होता है चर्च की जगह पे एक नई लोकेशन ऐड की गई है, काफ़ी सारी लोकेशन ऐड की गई है, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको जरूर देखना। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ भैया नया सेटअप था तो मैं थोड़ा कम सही से खेल पा रहा था क्योंकि भाई कस्टमाइजेशन नहीं किया था इसका। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे मैंने एक बोट को मार दिया क्योंकि भाई यहाँ पे भी सभी आपको बोट ही मिलेंगे, रियल प्लेयर नहीं मिलेंगे क्योंकि भाई ये बीटा है, इसके अंदर सब बोट ही बोट आते हैं, एक दो बंदे रियल आ जाएं तो आ जाएं, जो हमारे जैसे यूट्यूबर होते हैं जो मतलब अपना कंटेंट रेडी करने के लिए मतलब वीडियो बनाते हैं।
तो वो लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बाकी इन लोग नहीं देखने को मिलेंगे। और हाँ एक चीज और बता दूं यार, गाड़ी की मूविंग फास्ट कर दी है इन लोगों ने, मतलब जरा सा मूव करो तो बहुत ज्यादा मूव हो रही है। मैंने ये चीज खुद नोटिस की है कि मैं गाड़ी जब चला रहा तो मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था, जरा सा मूव कर रहा तो बहुत ज्यादा मूव हो रही थी, एकदम से ज्यादा घूम जा रही थी। तो मुझे लग रहा है गाड़ी की मूविंग में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दो तीन लोकेशन ऐसी हैं जो नई कर दी गई हैं, और दो तीन लोकेशन ऐसी हैं जो मतलब अपडेट के बाद ये समझ लो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं गेम के अंदर। और हो सकता है जो लैग लोगों का नहीं फिक्स हो रहा था, हो सकता है थोड़ा बहुत फिक्स हो जाए, क्योंकि कुछ लोकेशंस गायब भी की गई हैं और कुछ लोकेशंस नई भी ऐड की गई हैं, तो हो सकता है। क्योंकि भाई जो हमारा विस्टा था उसके अंदर पहले कुछ ही घर थे, अब तो भाई वहाँ पर पूरा मतलब एक ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने का, मतलब एक पूरा खंडहर टाइप में बना दिया गया है, जो शायद लूट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाली है जगह। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ पे भी एक नई जगह ऐड की गई है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के, तो ध्यान से देखना आगे मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये भी भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मतलब ये मतलब इसके बिल्कुल बगल में है, ये देखो आपको दिख रहा होगा वो गुफा टाइप के ऊपर दिख रही है वही वाली। और एक और चीज़ है इसकी गुफा के अलावा भी, लास्ट में आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, वो शायद आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी। मैंने भी अभी पहली बार देखा उसको यार, पता नहीं क्या शीशा जैसा मिलता है, मतलब आईना जैसा मिलता है वो, पता नहीं क्यों आईना क्यों दिया गया है, वो ग्लिच है कि आईना है क्या है वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिलहाल तो मुझे आईने जैसा लग रहा था क्योंकि उस पर मेरा चेहरा दिख रहा था, अब वो पता नहीं पबजी में क्यों दिया गया है। तो चलो उसको भी अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटाफट से पार्टिसिपेट भी कर लो, क्योंकि भाई पबजी लाइट गेमर्स में मैंने वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे दूसरे चैनल पबजी लाइट गेमर्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जाके, उस पर 2 विनर पास का गिव अवे चल रहा है जी। हाँ दोस्तों, सीजन 14 यानी 14 का गिव अवे मैंने कर दिया है, तो आप लोग जाके विजिट कर लो, पूरी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो कर लेना और पार्टिसिपेट कर लेना गिव अवे में। पता नहीं किसका नाम आ जाए, जिसका भी नाम आ जाएगा उसको विनर पास दे दिया जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई, ये चर्च, और ये चर्च के सामने पुल है, और इस पुल पे अभी आपको लूट थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन ये जब ऑफिशियल में आएगा तो इसमें काफ़ी तगड़ी वाली आपको लूट देखने को मिलेगी दोस्तों। ये भी काफ़ी सीक्रेट एंड काफ़ी बेहतरीन लोकेशन हो जाती है मेरे भाई। तो चलिए फटाफट से इधर से हम लोग निकलते हैं, यहाँ से मैं जा ही रहा था कि ये सामने मुझे ये वाली लोकेशन देखी, मैं इस लोकेशन की बात कर रहा था। ये पता नहीं यार आईना क्यों लगाया गया है, ये कौन सी हिडन प्लेस है, ये देखो कितना चमक रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आया, और आके मेरे पास हेल्थ नहीं थी, मुझे जोन में जाना था, लेकिन मैंने सोचा पहले वीडियो बना रहा हूँ तो चाहे मैं मर जाऊँ मगर इस चीज़ को देख के ही जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे देखा, तो ये देखो भाई शीशा जैसा पता नहीं क्या था यार, मेरे समझ में नहीं आता ग्लिच था कि क्या था, मगर ग्लिच जैसा तो नहीं लग रहा था, मगर ये शीशा आईना जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या था। मैंने इस पर गोलियाँ भी चलाई लेकिन समझ में मुझे कुछ नहीं आया कि क्यों दिया गया है क्यों नहीं दिया गया। इसके अंदर बहुत सारी और भी काफ़ी सारे अपडेट आए हुए हैं, जैसे एमओ कुछ गनों का मुझे लग रहा है चेंज हुआ है, वो तो मैंने अभी पूरा ट्राई नहीं किया है, जिन लोगों ने ट्राई किया कॉमेंट करके बता देना। काफ़ी सारी नई लोकेशन आई हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एक और मैं वीडियो लाऊंगा जो बहुत जल्दी आएगा, उसको भी देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा और ये नया अपडेट कैसा लगा, क्या आप इस नए अपडेट से इंटरेस्टेड हैं, क्या ये आपको नया अपडेट पसंद आता है, कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद